हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों ने कोरोना का 2 वैक्सीन ले चुका है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सल पास जारी किया है। ये पास का उपयोग उन लोग को ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए, एयरपोर्ट में जाने के लिए या शॉपिंग मॉल में जाने के लिए, अगर आपके पास ये पास है आपको, तो बहुत आसानी से कहीं भी आपको बहुत आसानी से इंटर करने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इस यूनिवर्सल पास को आप कैसे घर बैठे बैठे बना सकते हो, भी कुछ मिनट के अंदर, मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसका सही तरीका क्या है। तो और एक चीज़ है कि ये उन्हीं लोग को मिलेगा जिनका 2 वैक्सीन देने के बाद 14 दिन हो चुका है, उसी को ये पास गवर्नमेंट इशू करता है। तो इसका वेबसाइट और ये सब मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम गणेश है, वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यूनिवर्सल पास टाइप करना है। इसका देखो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला ऐसा वेबसाइट खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वेबसाइट खुलने के बाद देखो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यूनिवर्सल पास फॉर डबल वैक्सीनेटेड सिटीजन। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस बॉक्स में आपका जो मोबाइल नंबर है आपको डाल के लेना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। ये मोबाइल नंबर वही रहेगा जो आपने वैक्सीन लेने के टाइम रजिस्टर किया था। तो मेरे पास जो नंबर है वो मैं डाल के लेता हूँ। एक मोबाइल नंबर डाल के होने के बाद आपको क्या करना है, सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक OTP मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको OTP मिलता है आपको ये वाले ब्रैकेट में आपको भर के लेना है। तो मैं भर के लेता हूँ। देखो जैसे आप OTP डालो के सबमिट कर दोगे, देखो आपके सामने कैसा पूरा डिटेल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो आपको अपने वो नंबर से जिन जिन लोगों का वैक्सीन के लिए आपको किया था उसका पूरा डिटेल देखो आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने देखो मेरे फैमिली का 3 जन का किया था और 3 जन का मुझे यूनिवर्सल पास निकलना है। तो मैं क्या करूँगा, जनरेट पास के ऊपर क्लिक करूँगा। जनरेट पास के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा देखो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा पेज का। तो आपको क्या करना है, इधर आपको अपलोड फ़ोटो के ऊपर जाना है और आपका जो भी फ़ोटो है आप, और अपलोड करने के बाद देखो अपलोड होने के बाद जैसे दिख जाएगा। आपको क्या करना है, कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक करके अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे देखो ये आपको बता देगा कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको SMS आ जाएगा। ओके, आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसी तरह से आपको क्या करना है, आपको जैसे मैसेज में दिखा रहा है 12 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद आपको इसका मैसेज वापस दोबारा से चेक करना है। जैसे आप दोबारा से चेक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा और उसमें आपका जो है वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको 6 से 7 घंटा कम से कम रुकना पड़ेगा, तभी वो वैक्सीन जनरेट होता है। देखो जैसे मैंने आपको बोला था, कुछ घंटे के अंदर ये आपको ये पास मिल जाएगा। तो आपको पास मिला कि नहीं वो देखने के लिए आपको इसी साइड पे दोबारा से आना है, और आने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला था वो आपको डाल के लेना, वापस सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करोगे आपके रजिस्टर मोबाइल के नंबर एक OTP आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, OTP इसके अंदर डाल देना है। तो मैं अभी OTP डाल देता हूँ। देखो OTP डाल के होने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट OTP के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपका जो भी पास है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये आपको अभी 3-3 क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक ही नंबर से 3 जन का रजिस्टर किया था। तो देखो व्यू पास आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो पास जनरेट हो गया है। तो आपको क्या करना है, ये वाला पास आपको डाउनलोड करके लेना है। ये देखो इसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो डाउनलोड के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो देखो ऐसे ही मैंने और 2 करके रखा है। देखो इसके ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा, देखो ये भी हो गया। तो होने के बाद आपको सेम प्रोसेस वही करना है कि आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है।
देखो क्लिक करने के बाद ये भी डाउनलोड हो गया। तो इस तरह से आप घर बैठे बैठे एक यूनिवर्सल पास बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ कमेंट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।